हे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वेलकम बैक माय चैनल लीलीगिरी ब्लॉग। फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, बने रहे वीडियो पर। आज मेडिकल जाना है, क्यों जाना है मैं आगे बताऊँगी आपको। तो चलिए बने रहे वीडियो पर, किचन में घुसती हूँ। किचन में तो चावल को चढ़ा तो दी हूँ, देख लीजिए चावल भी चढ़ा दी हूँ। चलिए बने रहे। तो चावल तो चढ़ा दी थी और ये देखिए बाहर चूल्हे में करने के लिए, चूल्हे को क्या करती हूँ नहाने से पहले उसको साफ कर देती हूँ। कभी कभार मैं लगा जो गोबर से लिपाई वगैरह भी कर देती हूँ। तो ये कढ़ाई के नीचे मैं मिट्टी दे दी हूँ। मिट्टी दे देने से जल्दी ही उसका जो काला होता है ना कालापन, वो काला छूट जाएगा। इसीलिए काला अच्छा नहीं लगता है। हम कढ़ाई के नीचे या कुछ भी मिट्टी दे दें या सर्फ दे दें या जो हम खाद डालते जो खाद होता है ना उसको भी दे दें तो बहुत आसानी से जो हमारा काला छूट जाएगा। जो कढ़ाई या डेक्ची वो अच्छी तरह से जो कालापन छूट जाएगा। तो इसीलिए मैं नीचे मिट्टी देती हूँ, मैं मिट्टी ही देती हूँ, मैं सब तक कभी नहीं दी हूँ। तो देखिए बना रही थी, सब्जी बना रही थी और अंदर भाजी वगैरह सब बना रही थी। और घर में तो मैं दाल तो नहीं, चावल चढ़ा दी थी। इधर बैठकर मैं कर रही थी और बेटी को देख लीजिए हेल्प कर रही है। मसला पाउडर का एठी देले ठीक हो ते खाली ओठी ओंडाळी होतो सेठी ओंडाळी सही तो की बे हडा की नाही ती ताले पाच टिकी आणि छोटी काय येटा नुआ नुआ किणी दो थाव गेम सो लाबळे तारी दो तो नो नाही देखो कोणी आणि के दिन आणि ती देखो त्या भांगी जीवो तू तो खाली धरी की ताडीबो भांगीबो नाही मु तो करें तो कुछ नहीं हुए। तो सब्जी बनाने के बाद खटाई भी कर रही थी। ऊपर में एक जो चटाई टंगवा दी हूँ और बैठ के बेटी कर देगी, अभी घर में है ना इसीलिए। और देखिए कपड़े को भी मैं सुखा देती हूँ उसी बीच ही मुझे, क्योंकि क्यों आगे आपको पता चलेगा क्यों हम इतने जल्दी में आई थी। हस्बैंड भी है फिर भी मुझे इतने जल्दी जल्दी में काम करना पड़ रहा था, क्योंकि पहले हम दो दिन हम गए थे जो हमारा क्या बोले हम देखिए मैं चावल भी तो चढ़ा दी हूँ। और ये मेरा ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड टूट गया था, मैं उसको फेविक्विक लगा दी हूँ ना, ट्राइपॉड ठीक हो गया। तो अंदर जो गैस पर मैं चावल चढ़ाती हूँ और जो बाहर ना हम सब्जी बन रहा था और जो सब्जी वगैरह भी करती ये मसाला को भी ग्राइंड करके ले दूँगी, मतलब बाहर दे दूँगी। और मैं देखिए ये साड़ी चेंज कर ली ना, क्यों कर ली देख लीजिए। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल जा रही थी माँ के साथ, ये माँ और मैं हम दोनों मिलकर गए थे। माँ की कान की जो छेद है ना बहुत ही बड़ा हो गया है और वो कान की कुछ भी नहीं पहन पा रही, इसीलिए तो हम मेडिकल गए थे। इसी की वजह हम जल्दी जल्दी कर रही थी और डॉक्टर के पास भी गई। तो ये डॉक्टर के पास लोग भी दिखा रहे थे, उनका कुछ हुआ तो हमारा जब लाइन आया माँ का, दरअसल माँ का ब्लड जो हमारा डायबिटिक्स है ना इसीलिए। तो इधर हम इधर जो हमारा पैथोलॉजिस्ट है उनके पास ब्लड देना था तो उसके बारे में बताती हूँ। ये देखिए हम रिटर्न कर रहे थे तो एक जन आया ना जोर जबरदस्त के बोले मेरा बच्चे के तो ले लो ले लो ले लो। मेरा तो भाई झगड़ा हो गया उसे, ऐसे जोरदार करोगे सबके पास टाइम नहीं है भाई, सब वेट कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ पेशेंट वो कितने देर तक रह जाएगी, उस टाइम हो गया था 11:30 हो गया था, खाली पेट कितने देर रहेंगे, चाय ही पी थी। तो हमको जो कान की छेद को सिलाई करना था इसीलिए हमको डायबिटीज़ को चेक करना था ना, इसीलिए हम गए थे। देखिए रिटर्न कर रही हूँ भाई, इतने तेज धूप
ओह इतना आज झगड़ा लग गया। तो हस्बैंड देखिए खा रहे हैं चावल कटाई करेली भाजी और ये चिकन बन रहा था वो खा रहे हैं, मैं बैठी हूँ क्योंकि हमेशा मिलकर ही खाते हैं, लेकिन माँ आई है ना इसी वजह से मैं हस्बैंड को दे दी पहले और बाद में मैं बेटी और माँ हम तीनों मिलकर ही बैठकर खाएंगे। और ऐसे बातें साथे हो रहा था तो आगे देख लीजिए हस्बैंड जी क्या बोले। मैं बोली मैं इधर क्या हुआ ना बेटी देखिए चॉकलेट लाई है वो मुझे मिर्ची मांगी है वो जो हरा वाला मिर्ची तो मुझे हरा वाला मिर्ची दे दो। हरा वाला हम उड़िया में कहते हैं कंचा लंका तो कंचा लंका दे दो तो मैं कंचा लंका भी उनको दी हूँ। और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ तो हंस हो गया अब तो देखो क्या मैं कर रही हूँ। बेटी चॉकलेट खा रही थी जो हमारा डेयरी मिल्क खा रही थी और डेयरी मिल्क जितने भी बड़ी हो जाएगी फिर भी नहीं छोड़ेगी। ये ना मैं जो हमारा मेला से लाई थी चूड़ी पहन रही थी हस्बैंड के पास तो वैसे ही माँ आई है तो वो ज़्यादा नहीं रहते हैं उनको शर्म आता है इसीलिए ज़्यादा नहीं तो मैं पहन कर देखा रही थी। मैं बोल रहे हैं क्यों पहन रहे हो कहीं जाना है क्या? नहीं नहीं मेरा शादी है आपका आना है क्या? हाँ आऊँगा। तो क्या क्या शादी में खाना है ऐसे बोल रहे थे हंसी मजाक हमारा चल रहा था। देखिए कितने अच्छा लग रहा है चूड़ी बहुत सारे बैंगल्स लेकर आई थी और ये इवनिंग में चाय बना रही थी तो हस्बैंड पहुँचे मुझे बोले चाय बनाई कि नहीं। मैं बोली हम तो पी लिए हैं आपके लिए भी बनाई हूँ तो वेट नहीं करो क्या? नहीं नहीं मेरा वेट नहीं करना है होटल में कौन वेट करता है चाय जल्दी दो ऐसे बोल रहे थे। वैसे हमेशा मजाक कर रहे थे तो हमें हंस रही थी और उनको चाय भी दे दी हूँ और बातें साथे भी हो रहा था। और ये देखिए क्यूटी ब्यूटी स्वीटी कैसे मेरे बेटी तो उसको रात में सपने में भी आती है ये चुलबुली चुलरी बुलरी कुलरी देख लीजिए ये हमेशा हमारे घर में आजकल रहता है तो इसको देखो हमेशा हमारे घर में आकर रहती है। उसकी माँ क्या करती है ना नहाती है ले आकर दे देती है और बेटी को भी पसंद है वो हमेशा उसको पकड़ती है और उसके साथ मैं मजाक भी करती हूँ ऐसा हमारा चलता है। और बोल रही है मेरे माँ के पास क्यों आई हो क्यों मेरे माँ के मम्मी के पास बैठी हो ऐसे बोल रही है। अरे ये देखिए अरे इतना हंसती है क्या बोले इतना बातूनी है इतना बातें करती है कुछ भी बोलो पैट आप ऐसे ही मुँह को इधर उधर बोलो ना वो हंसेगी ऐसे करती है। तो ये मैं सब्जी वगैरह सब पैकिंग कर रही थी उसको फ्रिज में रखने के लिए ले जा रही थी और फ्रिज में भी उसको रख दी हूँ और मार्केटिंग था ना इसीलिए और ये सब सारे सब्जी को रख दी हूँ। और रात में क्या हो ना शिमला मिर्ची हस्बैंड लाए थे तो शिमला मिर्ची की पकौड़े बना रही थी और उस दिन तो मार्केट में तो हम जो मेला में खाए थे और हस्बैंड लाए थे तो उसको भी मैं पकौड़े बना रही थी। माँ बोली पकौड़े बना लो अच्छा लगेगा खाएंगे तो उसको दो हिस्से में उसको फाड़ दी हूँ कट कर दी हूँ और उसको बनाई हूँ। देख लीजिए आप भी आ जाइए मिर्चा पकौड़ा खाइए हम भी इवनिंग सात बजे मैं बनाई थी। तो आज का ब्लॉग इतना ही नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।